नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एकेडमी के ऊपर। आज पुनः 10 नए करंट अफेयर्स के साथ में मैं आप लोगों का दोस्त और साथी लोकेंद्र सिंह पुनः उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, तो हम लोग आज बात करेंगे 10 नए करंट अफेयर्स की। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर की आज बात करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का अनएकेडमी के इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, चलिए सभी लोगों का स्वागत है। एक मिनट दोस्तों, चलिए। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी के इस मंच के ऊपर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग आयुषी जी, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग समीक्षा, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन और इसको बड़ा करते हैं और जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सभी लोग उपस्थित भी हो गए हैं दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, एक फाउंडेशन कोर्स एमपीपीएससी का जो है एमपीपीएससी 2020 का अनअकैडमी चला रहा है, जिसमें प्री प्लस मीन्स दोनों की चीज़ें दोस्तों पढ़ाई जा रही हैं। तो 2020 की पूरी तैयारी करके रखी हुई है अनअकैडमी के द्वारा। तो जिन लोगों को भी प्री प्लस मीन्स पढ़ना है, उन लोगों के लिए ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। तो आगे की बात अपना भी और करने वाले हैं इसमें। जैसा कि मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो इसके अंदर आप लोगों का जो साहब कि मैं हूं लोकेंद्र हूं, तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, प्री प्लस मीन्स एमपी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एमपी स्पेसिफिक टॉपिक मेरा रह रहा है इसके अंदर, जिसमें मैं प्री प्लस मीन्स आप लोगों को एमपी पढ़ा रहा हूँ और काफी डिटेल में यहाँ पर एमपी चल रहा है दोस्तों। सुबह 8:30 बजे इसकी मेरी क्लास रहती है। बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो प्री प्लस मेंस एमपीपीएससी 2020 आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एमपीएसआई 2020 के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है। इसमें भी बेसिक से लेकर के तो हायर लेवल का दोस्तों आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा 3 जून से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए भी 120 दिन का एक टारगेटेड बैच स्टार्ट हो गया। काफी सारे एजुकेटर्स हैं दोस्तों और इन एजुकेटर्स के माध्यम से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें फायदा ये होगा कि आप लोगों का कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अनअकैडमी ने प्री प्लस मेंस का एक बैच स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, प्लस एक प्री का बैच ये स्टार्ट कर दिया, दोनों 2020 के लिए दोस्तों। तो जितने भी लोग 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2020 को टारगेट बनाया हुआ है, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है कि वो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 3 जून वाला कोर्स है, इस 3 जून वाले कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी और दूसरा पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी। तो ये दो सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, जो 3 जून का आने वाला है। हालांकि जो फाउंडेशन बैच है, जो प्री प्लस मेन्स वाला है, उसके अंदर मैं एमपी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, वो प्री प्लस मेन्स वहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये दो कोर्सेज मेरे चल रहे हैं दोस्तों। एक एमपी स्पेसिफिक का चल रहा है, जिसमें मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये प्री प्लस मेंस पढ़ा रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे इसकी क्लास रहती है। तो जितने भी लोग प्लस पर हैं और मुझे देख रहे हैं, वो उस क्लास को जरूर अटेंड करें दोस्तों, क्योंकि वहां पर प्लस प्लस मतलब प्री प्लस मेंस का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा मध्य प्रदेश पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक पॉलिटी का मेरा कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो शाम को 7 बजे होता है, 7 PM पर उसकी मेरी क्लास रहती है। ये भी प्री प्लस मेंस ही मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं उसी तरीके का पढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि एक बार पढ़ेंगे आप लोग तो आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर राइटिंग भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। जितने भी लोग प्लस पर हैं दोस्तों, सभी लोगों की आंसर राइटिंग चल रही है। डेली उनको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, डेली उनके क्वेश्चन चेक हो रहे हैं, और साथ ही साथ रात को रोज 9 बजे से 10 बजे के बीच में एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ। तो प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी हो रही है और मेंस की तैयारी भी अच्छी हो रही है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिन लोगों को एमपीपीएससी 20 टारगेट करना है, वो लोग इस समय पर जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन लेने का। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, लोक लाइव, LOKLIVE। इस कोड के माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर साल भर का कोर्स 7,000 रुपए का है, तो उसमें 10% डिस्काउंट के बाद 6,300 हो जाएगा। और यदि 2 साल का कोर्स लेना चाहें तो दोस्तों, वो तो और भी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। 8,400 रुपये मात्र में 2 साल का कोर्स है, उसमें भी मेरा कोड लोक लाइव यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आप लोगों को उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आज
अगर मैं और भी बात करूं अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे आप लोगों को स्टडी फ्रॉम होम की सुविधा अनअकैडमी दे रही है, साथ ही साथ लाइव लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है दोस्तों, 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, पर डे 17 रुपीज में आप लोगों का काम हो जा रहा है अनअकैडमी के ऊपर, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं जैसे ईएमआई की सुविधा भी मिल रही है, ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके आप लोग ईएमआई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। हाँ आरपीएस जी, कल क्लास थी मेरी 9 PM पर, बिल्कुल कल मेरी क्लास थी। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है अब आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। राजा पर्व, राजा नामक एक पर्व मनाया जाता है दोस्तों भारत के अंदर, वह मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के अस्तित्व का जश्न मनाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यह आप लोगों को आंसर देना है। राहुल राठौर जी का आंसर आया हुआ है, आयुषी मिश्रा, स्वाति मिश्रा, आकाश दुबे जी, दिया बिट्टू जी, शुभम तिवारी जी, इतने लोगों का आंसर दोस्तों अभी तक मेरे पास में आया हुआ है। ओके 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 ओके, आरबीएस तोमर जी का भी, साक्षी सोनी, ये बी बी इसका आंसर है दोस्तों। ओके, उड़ीसा, ये उड़ीसा का एक त्योहार है जिसे राजा पर्व के नाम से जाना जाता है। ये दो चीजों के लिए विशेषता मनाया जाता है, एक तो मानसून की शुरुआत और दूसरा पृथ्वी के स्थित्व से संबंधित जश्न मनाने के लिए। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजा पर्व के त्योहार पर देश को शुभकामनाएं दी गई हैं। राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के स्थित्व का जश्न मनाने वाला उड़ीसा का 3 दिवसीय अनूठा त्योहार है दोस्तों। कितना दिवसीय है ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कितना दिवसीय है राजा पर्व, है ना, उड़ीसा का राजा पर्व कितने दिवस में मनाया जाता है। 3 दिवसीय अनूठा त्योहार है और इस वर्ष राजा पर्व 15 जून से लेकर 18 जून तक मनाया जाएगा। हर वर्ष अलग अलग मनाया जाता है दोस्तों, वो हमारा जो पंचांग है उसके अनुसार ये डिसाइड होता है, डेट अलग अलग हो सकती है। 15 जून से लेकर के 18 जून के बीच में इसको क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, आकांक्षा, शुभम जी। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माँ या भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती है। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि धरती माँ मासिक धर्म से गुजरती है, अपने मासिक धर्म के दिनों में पृथ्वी के प्रति सम्मान की निशानी के रूप में क्या किया जाता है उड़ीसा के किसानों के द्वारा, जुताई बुआई जैसे सभी कृषि कार्य 3 दिन तक क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। भैया उस दिन माता जी जो है एक विशेष प्रकार के जो है मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो उनको उस समय पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 दिन तक बिल्कुल भी खेती बाड़ी का कोई भी काम धरती के ऊपर नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया था, स्त्रीत्व के सम्मान से संबंधित भी ये एक क्या है, त्योहार है। जैसा कि यह महिलावाद का उत्सव है, तो बहुत सारा ध्यान दोस्तों इसमें युवा महिलाओं के ऊपर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था ना, स्त्री स्त्रीत्व से संबंधित जुड़ा हुआ ये एक त्योहार है, तो महिलाओं के ऊपर इस राजा पर्व में काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनका क्या किया जाता है भाई, नए कपड़े पहनती हैं वो, अपने पैरों पर आलता लगाती हैं और सजाए गए रस्सी के झूलों पर झूलते हुए लोक गीतों का आनंद लेती हैं। तो स्त्रियों के ऊपर, विशेषकर युवा स्त्रियों के ऊपर इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया। युवा स्त्रियां क्या करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, अपने पैरों के ऊपर अलता लगाती हैं और जो है फूलों से सजे हुए झूले के ऊपर क्या करती हैं, झूलती हैं। ठीक है, अब इसमें 3 दिन होते हैं दोस्तों। जून महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार के हर दिन अलग अलग महत्व होता है, 3 दिन का अलग अलग महत्व है। जैसे पहला दिन पहली रजा कहा जाता है, पहला दिन क्या कहा जाता है, फर्स्ट रजा कहा जाता है। दूसरा दिन मिथुन संक्रांति कहलाता है और तीसरा दिन भूदाहा या बासी रजा कहलाता है और चौथा दिन यानी त्योहार का आखिरी दिन वसुमती स्नान कहलाता है। इसमें महिलाओं को स्नान कर सजना संवरना होता है और कुछ हिस्सों में महिलाओं को हल्दी भी पीसनी होती है। तो महिलाओं के ऊपर इसमें ज्यादा ध्यान है दोस्तों, और साथ में मानसून के आगमन या मानसून का स्वागत करने के लिए रजा पर्व मनाया जाता है, कहां पर, उड़ीसा राज्य के अंदर। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं अपन। गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हालांकि इसमें बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को प्राप्त होंगी। सिख धर्म के लोग 1606 ईस्वी में प्रतिवर्ष 16 जून को
निम्नलिखित में से किस गुरु की शहादत को याद करते हैं? ओके, निम्नलिखित में से किस गुरु की शहादत को याद किया जाता है? आयुषी मिश्रा जी का आंसर आया हुआ है, एंड राहुल राठौर जी, स्वाति मिश्रा, आरबीएस तोमर जी, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि तोमर, बलराम पाटीदार जी, इतने लोगों का आंसर आया हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी की क्या मनाई जाती है? शहादत को इस दिन मनाया जाता है 16 जून को। क्या था इनके विषय में, क्या इतिहास है, इस सब पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, सिख धर्म के पांचवे गुरु थे, ठीक है? पंचम गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव थे, और गुरु अर्जुन देव को सिख धर्म में पहला शहीद माना जाता है, ठीक है? सिख धर्म में पहला शहीद माना जाता है गुरु अर्जुन देव जी। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनके दादाजी जो थे वो थे गुरु अमरदास जी। दादाजी कौन थे? गुरु अमरदास जी थे, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, और इनके पिताजी का नाम था गुरु रामदास जी, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे। तो पांचवें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव हुए। इनके द्वारा कई काम करवाए गए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग देखेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि गुरु रामदास जी, है ना, 1528 ईस्वी की बात है, जब गुरु रामदास जी के द्वारा निर्मित अमृतसर तालाब, रामदास जी कौन थे? इनके पिता और सिख धर्म के कौन से गुरु? चौथे गुरु, ठीक है? गुरु रामदास जी कौन थे? इनके पिता थे गुरु अर्जुन देव के, और सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने अमृतसर तालाब का निर्माण कराया था। तो रामदास जी ने अमृतसर तालाब का निर्माण कराया था, और उस तालाब के अंदर हरमिंदर साहिब नामक गुरुद्वारे की नींव किसने रखवाई थी? गुरु अर्जुन देव ने रखवाई थी। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? अमृतसर तालाब के अंदर गुरु द्वारा, जो कि हरमिंदर साहिब के नाम से जानते हैं दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है अमृतसर के अंदर, उस गुरुद्वारे की नींव गुरु अर्जुन देव ने रखवाई थी। इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म के अंदर, तो गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन का कार्य भी किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन का कार्य भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य गुरु अर्जुन देव के द्वारा किए गए, और उन्होंने, उस समय मुगलों का शासन था तो मुगलों की काफी चीजों का उन्होंने विरोध भी किया। तो उस विरोध के कारण उस समय जो मुगल के बादशाह थे उनका नाम था जहांगीर, है ना, आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अकबर के जो पुत्र थे जिनका नाम जहांगीर था, ठीक है? वो उस समय क्या थे? एक मिनट, अकबर के पुत्र जो है जहांगीर उस समय क्या थे? बादशाह थे। तो 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर क्या करा दिया गया? शहीद करवा दिया गया। ये एक विशेष प्रकार का कानून है दोस्तों, यासा व रियासत। यासा व रियासत एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा दंड देने का तरीका है जिसमें जिस भी व्यक्ति की जान ली जाती है उसके खून का एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, और उसकी क्या हो जानी चाहिए? मृत्यु हो जानी चाहिए। यह है यासा और सियासत का कानून। और ऐसे में क्या किया गया? पहले उनको क्या किया गया? गर्म तवे पर, पहले उनको क्या किया गया? गर्म तवे पर बैठा दिया गया, और वहां पर उनको काफी यातनाएं हुई। फिर उसके बाद में उनके सिर के ऊपर गर्म रेत डाली गई। फिर उनके सिर के ऊपर क्या डाली गई? गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण वो बुरी तरह से क्या हो गए? गुरु अर्जुन देव जी झुलस गए। और गर्म तवे पर बैठाया गया, गर्म रेत डाली गई, काफी ज्यादा वो बुरी तरीके से झुलस गए, और फिर अंत में जाकर के उनको रावी नदी के ठंडे पानी में क्या किया गया? नहलाया गया। अंत में जाकर के उनको रावी नदी के ठंडे पानी में नहलाया गया, जहां पर रावी नदी में उनका जो जो जीव था, मतलब उनकी जो सांसें थी, वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इस तरीके से यासा व रियासत कानून के तहत गुरु अर्जुन देव जी को क्या किया गया? उनको मारा गया, उनको जो है उनके प्राण लिए गए, और इसीलिए उनको पहला शहीद माना जाता है सिख धर्म के अंदर, ठीक है? और ये जो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि गुरु अर्जुन देव जी
सिख धर्म के पहले शहीद थे। जिस स्थान पर गुरु अर्जुन देव जी का शरीर रावी नदी में विलुप्त हुआ, वहां गुरु डेरा साहिब बनाया गया है, जो अभी पाकिस्तान में है। गुरु डेरा साहिब बनाया गया वहां पर रावी नदी के तट के ऊपर, जहां पर कि गुरु अर्जुन देव जी का जो है शरीर जो है वो विलुप्त हुआ था रावी नदी में। चलिए दोस्तों, ये है गुरु अर्जुन देव जी, काफी महत्वपूर्ण गुरु हैं, गुरु जो कि सिखों के गुरु हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दोस्तों यहां से आप लोगों को एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है? 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये भारत से संबंध रखता है, इसलिए हमें इसको जानने की आवश्यकता है। ओके, बलराम पाटीदार जी का अभी मेरे पास में आंसर आया हुआ है। बलराम पाटीदार जी का आंसर आया हुआ है अभी तक मेरे पास में। प्रीति गुप्ता जी का आंसर आया हुआ है अभी तक मेरे पास में। और राहुल राठौर जी, अंजलि तोमर, दिया बिट्टू, स्वाति मिश्रा, आरबीएस तोमर, साक्षी सोनी, इतने लोगों का अभी तक मेरे पास में आंसर आया। प्रीति गुप्ता, शुभम तिवारी जी, एंड बिल्कुल 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 मारवी नाम से उसका नाम रखा गया है, ठीक है? ये 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में साप्ताहिक ट्रेन चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में साप्ताहिक ट्रेन चलती थी, है ना, जिसका नाम था थार एक्सप्रेस, जो कश्मीर में 370 अनुच्छेद के हटने के बाद में अभी क्या है, बंद है, ठीक है? अब पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि उस थार एक्सप्रेस जो चलती थी उसके बीच में, उसके बीच का एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया है, मारवी रख दिया है। अब क्यों रखा है इस विषय पर तो सुरक्षा एजेंसियों को भी पता नहीं चल रहा है कि भैया काय को रख दिया इनने, है ना? हम पर दबाव बनाने के लिए रखते तो कुछ ऐसा रखते, या हमें नीचा दिखाने के लिए रखते तो कुछ ऐसा रखते जो कि हमारे अपोज में होता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पता नहीं क्यों 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम मारवी रखा गया, है ना? फिर उमर मारवी की प्रेम कथा पाकिस्तानी फिल्म, उमर मारवी व्यक्ति थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी प्रेम कथा पर 12 मार्च 1956 में एक मूवी रिलीज की गई थी वहां पर, जो वहां की पहली सिंधी भाषा की मूवी थी। हालांकि मारवी का संबंध, एक तो जैसे मैंने बता दिया आपको कौन, उमर मारवी की प्रेम कथा, उसके ऊपर सिंधी भाषा में पहली मूवी बनी थी वहां पर, तो या तो ये हो सकता है उसके आधार पर रखा गया हो, या फिर मारवी का संबंध थार के खानाबदोश कबीले से भी है, तो थार के खानाबदोश कबीले से भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया हो, उसका नाम मारवी रख दिया हो। लेकिन अब जानकारी आगे और पता चलेगी सुरक्षा एजेंसियों को कि क्या इसका उद्देश्य है पाकिस्तान का। मारवी रख दिया गया है 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अब आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, चौथा करंट अफेयर है आपका आज का, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। ओके चलिए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से, ये अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला बन गई है, भारतीय मूल के हैं, पहली सिख महिला कौन बन गई है? कुलदीप यादव जी का आंसर आया हुआ, राहुल राठौर जी का आंसर आया हुआ है, प्रियंका राजोरिया, बलराम, दिया, कुलदीप यादव, स्वाति मिश्रा, अंजलि तोमर जी, आयुषी मिश्रा जी। बिल्कुल दोस्तों, अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई। इनका चित्र देख लीजिए आप, ये अनमोल नारंग, ठीक है, जिन जो कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला बन गई है। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न, पांचवा करंट अफेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पांचवा करंट अफेयर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है कि भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का नाम क्या है? दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत ही कम मिलते हैं, और मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर भी लेकर के और आता हूं, ठीक है? तो भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का नाम क्या है, जिनका निधन हाल ही में हो गया है? आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा
कुलदीप यादव जी ने आंसर दिया है मुझे, प्रियंका राजौरिया जी भी उपस्थित हो गई हैं। प्रियंका जी अभी आया है आपका आंसर, काफी लेट उपस्थित हुए आप। RBS तोमर, स्वाति मिश्रा, बलराम पाटीदार, कुलदीप यादव, राहुल राठौर जी, आकाश दुबे जी, आयुषी मिश्रा, दिया बिट्टू, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बसंत राय जी। बसंत राय जी सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बसंत राय जी का देख लेते हैं। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर बसंत राय जी का जो निधन हुआ, वो 14 जून को इनका निधन हो गया है, वह 100 साल के थे। बसंत राय जी कैसे दिखते हैं ना, ये देख लेते हैं। बसंत राय जी ऐसे दिखते थे, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर और जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कैप्टन है ना, वो दोनों उनके पास गए थे उनका बर्थडे मनाने के लिए। चलो कितनी अच्छी बात है, खैर, लेकिन एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे ये, ठीक है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर, 100 साल के थे जिनका निधन हो गया। राय जी दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, ठीक है, और उनका जन्म 26 जनवरी 1920 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। 1939 में 13 साल की उम्र में राय जी ने दक्षिण मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में पहला टेस्ट मैच खेला था। दाएं हाथ के बल्लेबाज को मुंबई और बड़ौदा के लिए खेलने का मौका भी मिला था, तो उन्होंने तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी कई सारे मैच खेले हैं दोस्तों, ठीक है। नाम है उनका बसंत राय जी, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है बसंत राय जी किस खेल से संबंधित है ना, या क्रिकेटर का निधन हुआ है जो कि काफी पुराने क्रिकेटर है, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है बसंत राय जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो कि छठवा करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, छठवा करंट अफेयर का प्रश्न है। शंभू एस कुमारन को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ, एक सेंचुरी पूरी की उन्होंने, किस देश में नियुक्त किया गया है दोस्तों? शंभू एस कुमारन जी को RBS तोमर ने कुछ जवाब दिया है हालांकि। चलिए, मालदीव। अच्छा, देख लेते हैं, और लोगों ने आंसर नहीं दिया अभी। आकाश दुबे जी ने आंसर दिया, आकांक्षा पराशर ने आंसर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया हुआ है। बी नहीं है दोस्तों, फिलीपींस में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कैसे दिखते हैं ये देख लेते हैं, शंभू एस कुमारन जी ऐसे दिखते हैं, इनको फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, सी आंसर है, ठीक है। आकाश दुबे जी का आंसर सही है, आकाश दुबे जी का आंसर सही है, फिलीपींस, बिल्कुल 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 दोस्तों, फिलीपींस में क्या किया गया है, शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। बाकी का जो भी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, हालांकि ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें अपन ने ज्यादा बातें नहीं की हैं, उनमें जितनी बात MPPSC प्रीलिम्स के लिए है उतनी अपन कर ले रहे हैं, ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा डिटेल आप लोगों को पढ़ना है तो मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, डिटेल्ड PDF। तो डिटेल्ड PDF दो जगह पर मिलती है, एक मेरा ग्रुप है @लोकेंद्र सर, इस ग्रुप के ऊपर आप लोगों को क्या मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी, और एक ग्रुप है @MPPSC10, इस ग्रुप में भी आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। दोनों ग्रुपों की लिंक, टेलीग्राम की लिंक है ये, दोनों टेलीग्राम ग्रुपों के अंदर आपको इसकी PDF मिल जाया करेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, नोवाक जोकोविक द्वारा कराए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर के पहले लेग किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों, नोवाक जोकोविक के द्वारा कराया गया एड्रिया टूर्नामेंट का, उसमें दो तीन स्तर हैं, ठीक है, दो तीन पार्ट हैं उस टूर्नामेंट के, उस टूर्नामेंट का पहला जो पार्ट था उसके विजेता कौन थे? डोमिनिक थीम है
ऐसा बताया जा रहा है। डोमिनिक थियम ही है क्या? देख लेते हैं यहां पर। देखो डोमिनिक थियम ने अपने नाम कर लिया है। ओके, बहुत सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। बिल्कुल डोमिनिक थियम कौन सा आंसर है? ए, डोमिनिक थियम ने नोवाक जोकोविक के द्वारा कराए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर, नाम क्या है उसका? एड्रिया टूर। तो एड्रिया टूर का संबंध किससे है? टेनिस से है। जो किसने करवाया था? नोवाक जोकोविक ने करवाया था। कहां पर करवाया है ये? सर्बिया में स्टार्ट हुआ है। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक, तो वहीं पर उन्होंने स्टार्ट करवाया था। और डोमिनिक थियम उसके पहले राउंड के क्या बन गए हैं? विजेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की तैयारी के लिहाज से, कि कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट के मुताबिक भारत के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? अरे राहुल, राहुल प्रियंका, राहुल साकेत, दिया आरबीएस, साकेत जी, स्वाति, अंजलि जी, बिल्कुल बिल्कुल, रंजना खरे जी, आपका भी आंसर सही है। समीक्षा श्रीवास्तव, शुभम, बहुत बढ़िया दोस्तों। बी, उड़ीसा। यहां से समझ गए आप, महानदी में दोस्तों जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहां पर 500 साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ एक मंदिर प्राप्त हुआ है भारतीय पुरातत्वविदों को। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि उड़ीसा जो है वो वैसे ही सांस्कृतिक विरासत के रूप में काफी ज्यादा धनी है। उड़ीसा के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा को बताते हैं। उसी के अंदर एक ये नई खोज भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा की गई है। 500 वर्ष पुराना क्या मिला हुआ यहाँ पर? एक 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर प्राप्त हुआ है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है दोस्तों उस स्क्रीन के ऊपर जो कि आप लोगों को दिख रहा है। जो मैंने आपको बताया है वही इसका मेन पॉइंट है। अगर आप लोगों को इस पीडीएफ को पढ़ना है तो जैसा मैंने आपको बताया है, दो जगह पर ही आपको मिल जाएगा, दो जगह की टेलीग्राम लिंक पर। एक टेलीग्राम लिंक है @लोकेंद्र सर, और एक टेलीग्राम लिंक है @MPPSC10। इन दो जगह पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता धारक ग्राहकों के लिए एक विशेष इंस्टा फ्लेक्सी कैश सेवा शुरू की है? एक विशेष इंस्टा फ्लेक्सी कैश सेवा शुरू की है। इंस्टा वाली, इंस्टा से चलेगी दोस्तों ये। ओके, कौन सा बैंक है? मंजू कश्यप जी का आंसर आया हुआ है दोस्तों, इसके बाद में आरबीएस तोमर जी का आंसर आया हुआ है, एंड अंजलि तोमर जी और स्वाति मिश्रा, शुभम तिवारी। पीडीएफ में नहीं, वीडियो जी, उस वीडियो में जो मैं आपको बताता हूँ वो मेन मेन बातें पूरी आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पीडीएफ में ऐसा होता है कि भैया किसी किसी को ऐसा लगता है ना कि यार अपने पास में पेपर फॉर्म में भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं पेपर फॉर्म में भी देता हूँ। ठीक है, आप लोग पीडीएफ निकलवा भी सकते हैं या उस पीडीएफ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों आंसर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है वेतन खाता धारक ग्राहक। वेतन खाता धारक ग्राहक अलग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने खाता खुलवाया है और उस खाते में मेरा वेतन आता है। ठीक है, तो वो जो खाता है उस खाते के लिए विशेष इंस्टा फ्लेक्सी क्लिक के सेवा शुरू की गई। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई जो बैंक है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की भी क्या कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देता है। ठीक है, एक तो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बैंक खाता धारक जो ग्राहक हैं,
आईसीआईसीआई बैंक के जो खाता धारक ग्राहक है बहुत आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है वो। साथ ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी उसमें उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा का चेक भी दे सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा का चेक भी दे सकते हैं या उससे ज्यादा पैसे निकाल भी सकते हैं। हालांकि बैंक उस पर ब्याज जरूर लेता है, लेकिन आप उससे ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो आईसीआईसीआई बैंक अपने बैंक खाता धारक ग्राहकों के लिए ये सुविधाएं प्रदान कर चुका है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। आकाश दुबे जी, मैंने दो ग्रुप टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक बताए हैं आपको, @लोकेंद्र सर नामक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और दूसरा ग्रुप है @MPPSC10। ऐसा टाइप करिएगा टेलीग्राम के सर्च के ऑप्शन में तो मेरा इसी टी शर्ट के अंदर आप लोगों को चित्र दिख जाएगा, उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। या फिर MPPSC व्यापम अनएकेडमी का चैनल है जिसके ऊपर भी आप आ सकते हैं, उसका लिंक है @MPPSC10, उस ग्रुप में भी आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। कौन से देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हो गया? बहुत से लोगों ने सी आंसर दिया है दोस्तों, बहुत बढ़िया, सी भारत ही शामिल हुआ है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है और चूंकि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक संस्था बन रही है, एक ग्रुप बन रहा है, उसमें भारत ने क्या किया है, संस्थापक सदस्य देश बनाया, तो पूछे जाने की सीए करंट अफेयर में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं दोस्तों। ओके, इसकी तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन सभी देशों के साथ में क्या हो गया है, भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये किस काम के लिए होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में पार्टनरशिप के लिए ये है कि भैया विश्व के सभी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कैसे किया जाए, उसके नियमों का निर्धारण भी किया जाएगा और कहाँ पर मनुष्य के लिए वो लाभदायक है, कहाँ पर मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो लाभदायक जो है उसके अनुसार रूल बनाए जाएंगे और जो हानिकारक है उन चीजों को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इस तरीके की इस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक इस ग्रुप के अंदर बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं। नहीं, वीडियो भी मिलता है आकाश जी, वहां पर वीडियो भी मिलेगा आपको और पीडीएफ भी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब आज का मैप प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, आज का मैप प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। बैतूल में ये जगह है पहली बात तो, ठीक है, बैतूल में ये जगह है, मैप का प्रश्न आ गया है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बैतूल में ये जगह है, ठीक है, और यह स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष का एक केंद्र बिंदु रहा है, बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लास के अंदर है, बिल्कुल प्रियंका राजौरिया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है प्रियंका जी, ग्रेट। प्रभास पत्तन, ठीक है, प्रभास पत्तन, प्रभास पत्तन, ये इस जगह का क्या है, नाम है। ओके, प्रभास पत्तन, प्रभास पट्टन है, ठीक है, प्रभास पट्टन। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है और बैतूल में स्थित है, वह है प्रभास पट्टन। ठीक है, हालांकि अब इसके विषय में और जानकारी क्या है, इसके विषय में और जानकारी दोस्तों हम लोग लेंगे हमारे हिस्ट्री के मध्य प्रदेश वाले बैच के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को एमपी पढ़ा रहा हूँ, एमपी में जो पढ़ा रहा हूँ वो काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, प्री प्लस मेंस के हिसाब से। ठीक है, प्री प्लस मेंस के हिसाब से सुबह 8:30 बजे मेरी क्लास होती है, तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें। यहां पर तो मैं प्रीलिम्स के हिसाब से मैप के माध्यम से आपको मैंने याद करवा दिया, प्रभास पट्टन नामक स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बिंदु बैतूल में स्थित है, वहां पर हम लोग इसके विषय में काफी डिटेल में भी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आज का आपका प्रश्न भी हो गया। अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग, जो कल का करंट अफेयर था उसका अब हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर जो कल का था उसका हम लोग रिवीजन मान लेते हैं, ताकि हमें कल की सारी चीजें जो हैं वो याद हो जाएं। चलिए कल का जो हमारा करंट अफेयर था उसमें एक विशेष चीज और थी दोस्तों आप लोगों के लिए, कि अनअकैडमी एमपीपीएससी चैंपियनशिप सीरीज 2 स्टार्ट हो गया है, सभी लोगों को मालूम है। उसके अभी तक कितने पेपर्स हो चुके हैं उसके, अभी तक 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइएगा बस। हाँ, उसके अभी तक कितने पेपर हो गए हैं, 1, 2 और 3 पेपर हो गए, चौथा पेपर जो है वो 28 जून को होना है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने अभी तक उसमें इनरोलमेंट नहीं किया है, इनरोलमेंट कर लीजिएगा, उसकी इनरोलमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलो कल का पहला प्रश्न, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए ऐतिहासिक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल पुणे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, सुरक्षा बल मतलब स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए, कहां पर, रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, क्या नाम है, रोबोटिक अर्जुन। ठीक है, हाँ आज रात 9 बजे भी क्लास है, जो कि इंडियन जियो की रहेगी। नदियों पर क्या होगा, टेस्ट पेपर होगा 9 से 10 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पी के मोहंती समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, निजी क्षेत्र के बैंक के स्वामित्व संचालन और कॉरपोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा करना इसका कर्तव्य है, और ये उसके लिए गठित की गई है पी के मोहंती समिति। आगे की बात करें यदि, तो ये कल का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, जो एक क्विक रिवीजन होता है। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जून को मनाया जाता है, ये अपन ने कल बात की थी, और इसे यूरोपीय विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसलिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो बिल्कुल हाँ, उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, अगला प्रश्न था आप लोगों का कल का, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह जी का मृत्यु हुई है, तो उनकी कितने वर्ष में मृत्यु हुई है, 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। कल इनके विषय में हमने काफी ज्यादा विस्तार से चीजें देखी थी, ये है सुशांत सिंह राजपूत जी। अगला प्रश्न था दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, कि निम्नलिखित में से किसे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाजुर रहमान जी को नियुक्त किया गया यूटीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, ये है इम्तियाजुर रहमान जी जिनको अभी में नियुक्त किया गया है यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके प्रबंध निदेशक के रूप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। दारबुक शोक दौलत बे गोल्डी, दारबुक शोक दौलत बे गोल्डी भारत के सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्मित 255 किलोमीटर ऑल वेदर रोड है, निर्मित 255 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है, यह अपन ने कल देखा था। दौलत बे गोल्डी क्या है, इसके विषय में भी मैं बात कर चुका हूं। ओके चलिए अगला प्रश्न था, साइबर स्पेस प्रतियोगिता किस संगठन के द्वारा स्टार्ट की गई? तो इसरो के द्वारा स्टार्ट की गई साइबर स्पेस प्रतियोगिता, कई सारी प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जा रही हैं। शैक्षणिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शैक्षणिक नवाचार प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया।
जो उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन में कुछ नवाचार किए हैं, तो इसको स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है, तो पंजाब राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ लॉन्च किया है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है। इस पर अपन ने कल काफी ज्यादा विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है। और ये बैतूल के एक विशेष स्थान की कल बात की थी हम लोगों ने, जहां पर ताप विद्युत केंद्र है, तो बैतूल में सारणी नामक स्थान पर ताप विद्युत केंद्र है, इसकी हम लोगों ने कल बात की थी दोस्तों। ओके, तो आज के हमारे तीनों सेगमेंट्स कंप्लीट होते हैं। पहला 10 नए करंट अफेयर्स, दूसरा एक नई मैप की लोकेशन, और तीसरा कल के करंट अफेयर्स का रिविजन। दोस्तों डेली ये क्लास 6 PM पर होती है, आप लोग इसको जरूर अटेंड करें, आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। अभी अनअकैडमी एमपीपीएससी चैंपियनशिप का जो पेपर हुआ था उसके अंदर यहाँ से काफी सारे प्रश्न आए हुए, ठीक है दोस्तों। कल पुनः 6 बजे मैं दोबारा मिलूंगा आपसे। धन्यवाद, बाय।